दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आजकल जो सबसे ज़्यादा बजाज प्लाटिना 110 को टक्कर दे रही है वो है TVS रेडियन 110 BS6 और लोग अब सबसे ज़्यादा रेडियन 110 को परचेस कर रहे हैं। कारण क्या है और अगर आप भी कंफ्यूज है कि बजाज प्लाटिना में जाए या TVS रेडियन में जाए तो ये वीडियो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लेना सही रहती है। आज आपको TVS रेडियन 110 के कुछ ऐसे 5 फीचर्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी आपको समझने में कि इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स है, अगर वहां से कुछ भी परचेस करते फॉर द स्कूटर एंड बाइक तो इस चैनल को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर फर्स्ट इसका डिजाइन देखने को बात करें तो यहाँ पर TVS रेडियन प्रीमियम आती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और ये क्वालिटी आपको बजाज प्लाटिना में कम देखने को मिलता है। इस बाइक में LED DRS दिए गए हैं और क्रोम फिनिश भी देखने को मिलता है इसके हेडलाइट में, प्लस राउंड मिरर्स देखने को मिलता है उसमें भी क्रोम का यूज किया गया। टैंक में भी आपको रबरिश फिनिश देखने को मिलता है, यहाँ पे तक कि आपके थाई ग्रैब पैड्स भी देखने को मिलते हैं, क्रोम एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, USB पोर्ट जो कि अगेन इस कैटेगरी में सबसे यूनिक देखने को मिलती है एंड ट्रस्ट में इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कार लाइक स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जैसे कि यह कार में देखने को मिलता है वैसा इसका स्पीडोमीटर है जो कि अगेन एक रिच प्रोवाइड करता है इस गाड़ी को। अब मैं सेकंड चीज की बात करूँ, वो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सेकंड में ही मैंने डाल दिया है। सेकंड जो TVS रेडियन को अनोखा बनाता है वो है इसके साइकिल पार्ट्स। हाई रिजिड चैसी देखने को मिलती है, इसके जो सस्पेंशन है वो ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी में। जबकि बजाज की गाड़ी में जो प्लाटिना है वो काफी सॉफ्टर साइड है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी सबसे ज्यादा है इन द सेगमेंट एंड अगेन एक और चीज इसकी काफी अच्छी है जो कि सबसे बड़ा व्हील बेस देखने को मिलता है। बड़ा व्हील बेस मतलब होता है स्टेबिलिटी, वही चीज आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है प्लाटिना में कम देखने को मिलता है। अब बात करें इसके अलॉय व्हील्स तो यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स है, वही प्लाटिना में अगेन 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। USB पोर्ट चार्जर जिसमें ऑलरेडी बता चुका वो मिलता है। अब मैं अगले फीचर्स की बात करूँ जिस कारण से ये थोड़ा अलग बनता है, पहली चीज तो USB पोर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड है साइड स्टैंड कट ऑफ इंडिकेटर जो कि अगेन मिलता है, सेल्फ स्टार्ट भी दिया गया है लेकिन काफी अच्छा स्मूथ आपको देखने को मिलता है एंड इसका जो इंजन डिजाइन है वो भी बहुत इंप्रेसिव लगता है इस गाड़ी में, जैसे लुक एंड फील ही बहुत ही अच्छा है। अब आती है अगले फीचर्स की बात, वो है इसका इंजन। अब इंजन फीचर वाइज अच्छा भी है और ठीक भी है, अब मैं यह नहीं बोलूंगा कि प्लाटिना से वाव है लेकिन ऑन एंड ऑन एडिक्वेट है। कुछ चीजें अच्छी है इसमें, लाइक 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन है, प्रोड्यूस करता 8 bhp का आउटपुट 7350 आरपीएम में एंड 8.7 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करती है 4500 आरपीएम में एंड 4 स्पीड ट्रांसमिशन है। अगर मैं प्लाटिना से बात करूं तो वहां पे ई कार्बोरेटर है जिस कारण से उसका पावर ज्यादा है, अगर उसमें एक्चुअल में फ्यूल इंजेक्शन होता तो शायद उसका पावर भी इतना ही होता, लेकिन ई कार्बोरेटर के कारण होने के कारण पावर थोड़ा ज्यादा है इस गाड़ी से। फ्यूल इंजेक्शन में एवरेज आपको ज्यादा मिलता है। इसका जो माइलेज है वो 60-70 इजिली मिल जाता है रफ ड्राइविंग करने के बाद भी। प्लाटिना में रफ ड्राइविंग करते हैं तो उसका एवरेज बहुत जल्दी डाउन होता है एंड आप अच्छे से चलाते हैं तो अच्छा एवरेज भी मिलता है, तो इस गाड़ी में मैं दोनों को 50-50 देना चाहूंगा। बात करें कैवेट की तो 116 kg का कैवेट आपको देखने को मिलता है जो कि प्लाटिना से काफी कम है, काफी तो नहीं 4-5 किलो कम है, तो वो पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा बन जाता है। अब आती है मेन चीज, वो है फिफ्थ पॉइंट जो कि इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग अगर 2000 रुपए अगर आप ज्यादा देते हैं, 2000 भी नहीं 1800 या 600 ऐसे कुछ है अगर प्लाटिना से आप ज्यादा देते हैं, पहली चीज तो प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है, प्लस इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है, स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, सस्पेंशन गांव के हिसाब से भी अच्छा है, सिटी के हिसाब से भी अच्छा है, डुअल पर्पज टायर देखने को मिलता है एंड फीचर लोडेड गाड़ी है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप इंजन पे जाना चाह रहे सिर्फ इंजन लुक एंड फील गया भाड़ में, देन प्लाटिना ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लाटिना के खिलाफ हूँ, प्लाटिना इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। अगर आपको थोड़ा शॉप भी करना है, आपकी इच्छा है शॉप करने की, देन दिस इज द बाइक जो आप ऑलराउंडर कर सकते हैं। और मैं किसी कंपनी से पैसा लेके नहीं रिव्यू बना रहा, अगर रिव्यू बनाना होता तो पूरा वीडियो बनाता, मैं ऐसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, मैं किसी को क्रेडिट भी नहीं दे रहा, कोई शोरूम को भी क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है जहाँ से अगर कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो मेरे को भी काफ़ी हेल्प होगी। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।